माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आज एक ऐसे पौधे की चर्चा करेंगे जो बहुत ही पौधा नहीं, ये ट्री है, पेड़। इसका नाम है यूकेलिप्टस। लगभग लोग देखे होंगे इस पौधे को। ये जो है लगभग 80 से 100 फीट की हाइट होती है। इसकी वाइटिस कलर स्टेम होता है और इसका साइंटिफिक नेम है यूकेलिप्टस क्लोविउस, ब्लू गम ट्री के नाम से भी जानते हैं। यानी निश्चित ही इसमें ब्लू गम, ब्लू कलर का गम निकलता होगा, जिसके वजह से इसका ब्लू गम ट्री नाम से भी जानते हैं। फैमिली इसका है माइट्रेसिया और ये पेक्टोरल वन और वेनेरेबल वन के अंदर में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इस्तेमाल हुआ है। हैबिटेट इसका देखेंगे तो यूरोप, अमेरिका, एशिया है। पार्ट जो यूज होता है इसका लीव्स एंड वुड्स, यानी उसकी लकड़ियाँ और पत्तियाँ इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस में। इंडिकेशन इसका है ये ब्रांचियल कैट्रैक्ट अस्थमा यानी दमा, एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। चारकोल यूज्ड फॉर एंटीडॉट, एंटीडॉट के रूप में चारकोल का इस्तेमाल होता है। कोलाइटिस यानी मड़ोर वाले दर्द में काम करता है। डायरिया, इंटेस्टिनल फर्मेंटेशन यानी इंटेस्टिन के अंदर बहुत ज़्यादा गैस का बनता है, उसमें ये काम करती है। और एक कंस्टिट्यूएंट जो केमिकल कंपोनेंट निकालता है ये पौधा, ये एल्डिहाइड, इसेंशियल ऑयल, टैनिन, रेजिन, पेनिया, तो इतने सारे केमिकल रिलीज करता है। बंधु, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, खास करके ज़रूरतमंद तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।